अब तो पक्का ब्लू ब्रिगेड के नाम होगा वर्ल्ड कप। किंग खान ने कर दिया सब सेटअप। शाहरुख की जवान बनाएगी इंडिया को बादशाह। क्रिकेट मैदान बनेगा इसका गवाह। पहले भी चल चुका है ये फॉर्मूला, अब रोहित के लड़ाकों का मचेगा हल्ला। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी सिनेमा का हमेशा से ही पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। ऐसी कई मिसाल है जो ये बताने के लिए काफी है कि क्रिकेट और सिनेमा एक दूसरे के कितने करीब रहे हैं। आजकल कई क्रिकेटर्स की बीवियां तो फिल्म इंडस्ट्री से ही आती हैं, चाहे विराट और अनुष्का की ही सुपरहिट जोड़ी हो या फिर जहीर खान। यही नहीं, हमारे भज्जी की भी वाइफ का नाता सिनेमा से ही तो है। लेकिन ये आज की बात नहीं है। आप मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर की मिसाल ले लें। यही नहीं, क्रिकेट के जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें बॉलीवुड सितारे भी काफ़ी जोर शोर से शिरकत करते हैं। ये तो थी क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री की कहानी, लेकिन जल्द ही क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने वाला है, यानी वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से भारत में होने वाला है। इसी बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस बार वर्ल्ड कप का खिताब भारत जीत सकता है। इसके लिए शाहरुख खान की फिल्म जवान को वजह बताया जा रहा है। ये बात थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर क्या वजह है सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे की। इस बार तो लोग कह ही रहे हैं कि शाहरुख ही टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाएंगे। किंग खान ही वो वजह बनेंगे जो इस बार टीम इंडिया को क्रिकेट का बादशाह बनाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का मानना है कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शाहरुख खान की फिल्म जवान की वजह से भारत इस बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर सकता है। यूजर्स इसके पीछे तर्क भी दे रहे हैं। एक यूजर ने पोस्ट करते हुए बताया है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अपने मुन्ना भाई संजय दत्त ने जब शाहरुख खान की फिल्म में कैमियो किया तब तब भारत वर्ल्ड कप जीता है। तो ये बात साफ हो गई कि बादशाह और मुन्ना भाई की जोड़ी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाएगी। दरअसल इस बार लोग कोइंसिडेंस का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि जब जब शाहरुख की फिल्म में संजय दत्त ने कैमियो किया, अगर उस वक्त या उस साल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होना होता है तो उसकी खिताब टीम इंडिया के हाथों में ही जाता है। एक यूजर ने लिखा, जब भी संजू बाबा ने शाहरुख खान की फिल्म में कैमियो किया भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, नाचो। इस यूजर के पोस्ट पर दूसरे यूजर्स अपना रिएक्शंस दे रहे हैं। एक ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, ये एकदम नया एंगल है भाई, मानना पड़ेगा। दूसरे ने लिखा, काश ये सच हो जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या कोइंसिडेंस है शाहरुख की फिल्म में संजय दत्त के कैमियो का। दरअसल संजय दत्त ने 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम के गाने दीवानगी में कैमियो किया था। इसी साल टीम इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद 2011 में संजय दत्त ने शाहरुख की फिल्म रावण में एक कैमियो किया था। उसी साल भारत ने 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप जीता था। अब इसी आंकड़े को तर्क देते हुए भारतीय फैंस का कहना है कि संजय दत्त 2023 में शाहरुख खान की फिल्म जवान में कैमियो करते नजर आए हैं। ऐसे में 2023 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ही जीतेगा। हालांकि इसे एक संयोग यानी कोइंसिडेंस कहा जा सकता है, और हमारा भी मानना है कि जो भी टीम मैदान पर अपना बेस्ट परफॉर्म देगी वही वर्ल्ड कप के खिताब की सही हकदार होगी, ना कि जवान या फिर कोई भी फिल्म। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो लोग ये दावा कर रहे हैं या तस्दीक कर रहे हैं कि जवान फिल्म की वजह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप ले जा सकती है, इस दावे पर, इस लॉजिक पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।